उधर नरकटियागंज विधानसभा के कांग्रेस विधायक के पैतृक गांव शिकारपुर विकास से कोसों दूर है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का फैसला लिया है। शिकारपुर गांव के मुख्य सड़क, जो कई गांव का लाइफलाइन माना जाता है, वह सड़क बिन बरसात कीचड़ में लुप्त हो गया है, जिसके कारण विधायक के गाँव के लगभग दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का मन बना लिया है। वोट बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि जब कांग्रेस विधायक के पैतृक गांव की स्थिति ऐसी है तो अन्य क्षेत्र कैसे होंगे। मेरा बारात आने वाली है, इतना पाकि हिल जल के जाते हैं, कैसे बारात आएगी, कैसे मैं स्वागत करूँगी। विधायक जी कहाँ है बताइए, सालों से रोड पड़ा है, यहाँ पे कीचड़ पूरा पाकि लगा है, कुछ दिन में यहाँ पे एक लड़की की शादी होने वाला है, बताइए कैसे होगा, दो तीन शादी यहाँ पे पड़ा है, बारात का स्वागत कैसे होगा। जहां एक ओर शत प्रतिशत मतदान को लेकर प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं घोड़ा सहन मुख्य बाजार के उत्तरी पंचायत वार्ड नंबर 5 के तुरापट्टी मोहल्ले में रोड पर जल जमाव और नाली की समस्या को लेकर लोगों के द्वारा वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानी होती है, बिजनेस व्यवसाय सब खत्म हो गया है। वह स्थानीय समाज सेवी ललन सिन्हा ने बताया कि पूर्व में जिलाधिकारी को इस मामले को लेकर अवगत कराया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी सहमति भी जताई थी, लेकिन नतीजा शून्य निकला। लोग तो रोड और नाला नहीं तो वोट का हम बहिष्कार करेंगे। कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 5। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर बाढ़ प्रखंड का नदावा गांव, जो कि बाहुबली नेतानंद सिंह का पैतृक गांव जाना जाता है, यहां पर चुनाव को लेकर मध्य विद्यालय नदावा में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हालांकि मतदान शुरू होते ही बाहुबली नेतानंद सिंह दलबल के साथ बूथ संख्या 237 पर पहुंचे, जहां उन्होंने पास में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी ने भी मतदान के लिए अपने पैतृक गांव नदावा पहुंची, जहां उन्होंने लाइन में खड़े होकर अपना मतदान किया। मतदान के बाद महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी ने कहा कि बिहार समेत पूरे भारत में महागठबंधन मजबूती से आएगा और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं बाहुबली नेता आनंद सिंह ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। वहीं रूरल एसपी संजय कुमार सिंह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ नदावा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ का निरीक्षण किया और आसपास के इलाकों का भी औचक निरीक्षण कर सड़क किनारे लगे वाहनों की भी सघनता से जांच की। उन्होंने कहा कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं, खासकर टाल क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। छठे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से एनडीए की तरफ से मैदान में उतारे गए जदयू प्रत्याशी बैद्यनाथ प्रसाद महतो के पक्ष में वोट मांगने के लिए शिक्षा के जनता हाई स्कूल पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सुशील मोदी ने जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि देश को मोदी की जरूरत है। मनमोहन की सरकार आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया में घूम घूम कर रोती थी और कहती थी कि पाकिस्तान ने मार दिया, लेकिन मोदी सरकार ने पुलवामा और पठानकोट हमले का सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बदला ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभिनंदन को छोड़ने के लिए पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर ही घुटने टेक दिया, यही है मोदी सरकार। बाईस घंटा ठीक है। तो आज आपको दो बात बता दूं कि अगले एक साल के अंदर लाइन कटना क्या होता है वो भूल जाएंगे, लोड शेडिंग लोग भूल जाएंगे। अगर 22 घंटा बिजली पहुंचा दिया तो 24 घंटा बिजली हमीर पहुंचा होगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।